शो के लिए भेजा था और हिना को देखकर वो इस बात पर पछता रहे हैं। रोहन कहा कि हिना अगर लड़ती है तो वो गलत नहीं, क्योंकि रियलिटी में वो हिना है, ना कि आदर्श बहू अक्षरा। 24 घंटे बोलती रहती है मेरे बारे में, 24 घंटे मुझे काफी कुछ बोलती है। आकाश से बात करना इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि हिना खान को फुटेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो यार आई थिंक पूरे टीवी टेलीविजन में आई थिंक वो टॉप टू टॉप थ्री में तो है ही है, मतलब एक्ट्रेसेस में अगर आप देखा जाए तो। इतने साल 8 साल से वो एक ही शो उन्होंने संभाला हुआ था, वो भी एक रिकॉर्ड है पूरे एशिया में, किसी ने भी ऐसा पहले नहीं किया। हिना खान के एक स्टेटमेंट जो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट होती है कि मतलब, या फिर वो स्टेटमेंट बहुत सुनने के बाद जब अर्शी कुछ बहुत ज़्यादा बोलती है फिर उनकी निकलती है, तो उसका बहुत बड़ा वो बना इशू बनाया जा रहा है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उनको कहा था कि आप अंदर जाना, तो लेकिन अब जब अंदर गई हैं तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैंने उनको क्यों भेजा। छोटी छोटी गलतियों को लोग कह रहे हैं कि अरे वो मतलब वो आइडियल बहू थोड़ी ना है, वो अंदर तो हिना खान है। दरअसल शो में जिस तरह कैमरे के सामने हिना रो रही हैं, सोशल साइट पर उनका मजाक बन रहा है। हिना के आंसुओं को भी कैमरे के सामने की गई एक्टिंग बताया जा रहा है। अगर वो रो रही है और वो अगर बोल के रो रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो चाहते कि लोगों तक पहुंचे कि उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, तो आई थिंक इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो रो रही है, उनके इमोशंस टू है। रोहन हिना खान के खिलाफ किए गए हर ट्वीट का जवाब भी देते हैं। हिना को लेकर रोहन की यह हमदर्दी देखकर बिग बॉस ने भी रोहन को शो में जाने का ऑफर दिया है। प्रॉब्लम क्या हो रही है बिग बॉस में कि वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है, और जो भी उनके मन में आता है वो बोल देती है, बिल्कुल अपफ्रंट है। मुझे बुलाया भी गया था अंदर बिग बॉस में उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर शूट कर रहा था कंटिन्यूसली तो मैं जा नहीं पाया। रोहन के मुताबिक हिना बिग बॉस विनर बनने की सबसे बड़ी दावेदार है। वो इतनी स्ट्रांग दिख रही है ना बाहर, इतनी स्ट्रांग दिख रही है कि हर लोग उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और अगर वो अंदर अब कुछ करेंगी भी नहीं ना, अगर सिर्फ बैठी भी रहेंगी तब भी आई थिंक वो टॉप टू में तो आने वाली है, कोई इनका कॉम्पिटिशन ही नहीं है अंदर। रोहन वैसे शो कौन जीतेगा कौन नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिग बॉस में हो रहे झगड़े को देखकर साफ है कि हिना की राह इतनी भी आसान नहीं है। हिना क्या आप असली जिंदगी में भी इतनी ही